भाई आई डोंट हैव वर्ड्स आई एम स्पीचलेस मेरे को नहीं पता मेरे को क्या बोलना है कहाँ से बोलना है कहाँ से पिक करना है अनस्क्रिप्टेड है लेकिन सही बता रहा हूँ जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया ना मेरे को लगता है कि मैंने आज तक कभी इस वाइफ में कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है टू तो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू लेकिन भाई खुशी का टाइम है ना भाई भाई गिव अवे होगा और गिव अवे होगा भाई और सिर्फ मड की जर्सी नहीं भाई जो भी इस गिव अवे का जीतेगा ना भाई उसको उसकी पसंद की जर्सी मिलेगी दो काम करने एक तो इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में भाई हाला मेड लिखो भाई बार से लिखो ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर नाइट लिखो कुछ भी लिखो लेकिन लिखो और भाई मेरे को जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है वो मैंने पिन कर दिया है देखो उसकी इस बार ऑप्शन रख देते हैं उसको जरूरी नहीं है लेकिन चैनल पर कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना सबसे पहले तो भाई पता है आज मेरे को वॉच लॉन्ग पे किस चीज़ की याद आई थी लास्ट में मैं जब रियाल मेडिक का मैच देखता था, था ना दो हज़ार सत्रह की आई थी बात है अट्ठारह की बात है उस टाइम मेरे पास देखने को टी वी टी वी होता था तो मम्मी पापा सो रहे होते थे उस रूम में सुबह स्कूल जाना होता था तो मैं ना बोर्ड की तैयारी कर रहा था तो हाफ टाइम पे जब रियाल मेडिक वर्सिस पी एच जी का मैच चला था रोनाल्डो ने पेनल्टी मारी उसके बाद सेकेंड हाफ में जब थाई से गोल मारा मेरे को वो दिन याद आ गया था कि किस तरीके से मैं उस ड्राइंग रूम में अकेला बस नाश्ता रहता था सिर्फ़ एक ऑल फुटबॉल ऐप में जो नोटिफिकेशन आती थी उसको देख के वो मेरे को कहीं कही ना कहीं आज दिन याद आ गया जब बाबा और मोहक भाई आ, ने तीन चार सेकंड पहले वो सेलिब्रेशन करे थे लेकिन क्या मैच था यार मैं झूठ बोल झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को सेकंड हाफ में फर्स्ट आ, 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 हाफ हाफ टाइम पे बिलीव था कि हम तो मैच पलट देंगे नहीं पता था यार हम नहीं पल क्योंकि एक भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं जा रही थी एक भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं जा रही थी मेरे को अब भी याद एक सुपर चैट आई थी एक बंदा था सबसे फिर उसने मेरे को कहा था बाबा ने कहा था कि चिलअप कर दे दिव्याँ चिलअप कर होगा जीतेंगे भाई जीतेंगे एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार मेरे को नहीं क्योंकि जब जब हम बापा बॉल आ रहे थे ना हम लोग तब तब पिल रहे थे मेरे को पता नहीं कि, कि किस तरीके से सिर्फ रिजल्ट ही नहीं पलटा पलटा बल्कि गाली भी पलट गई फ्रॉम कार्लो एन टू पॉचुटिनो मेरे को नहीं पता मैंने ट्विटर एक भी बार खोल के नहीं देखा मैंने कोई न्यूज़ नहीं करा मैं कुछ नहीं पता लेकिन मेरे को पता है कि पॉचुटिनो सैक हो रहा है ही इज़ गोइंग टू सैक और वो पता है कि सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है वो इसलिए हो रहा है उसने बॉटल कर दिया है देखो जितना सेकंड हाफ में मेरे को लगता है कार्लो एनसरोटी की जो सब्स्रपेशन थे उसने काम किया ना उससे कहीं ज़्यादा पैर पर खुद के पैर पर कुलड़ी मारने वाला काम कर रहा है पॉचिटीनों ने लेकिन एक सवाल ये भी आया कार्लो एनसरोटी के भाई ये थ्रिलर तो चल मज़ा आ गया दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गेम्स और वन ऑफ द बेस्ट वॉच लॉन्ग जो कि हमने किया होगा लेकिन कहा लोहन ने आई थिंक वो बाबा इतना मज़ा नहीं आ रहा सेकंड हाफ में सारा मसाला रोक के रख रखा था कि ये चीज़ अगर फर्स्ट हाफ में करते ना तो कहीं ना कहीं दिल का दौरा आधों को नहीं पड़ता असेंसियो अगेन बहुत पुअर गेम खेला और सही बताऊँ मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा होगा लेकिन जब वो सब्सिड्यूट हुआ ना जब वो बेंच पर बैठा कोई फेस पे कुछ वो नहीं है कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि बोतल पे लात मारूं क्या गेम खेला है मैंने उसमें कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है आई डोंट नो कि मेरे को यह अजीब लगा कि आप में से काफी लोगों ने भी अगर इस चीज़ को पकड़ा बट डू लेट मी नो मतलब वो हंगर होता है ना मेरे को असेंसिव वो हंगर नहीं दिखा और ये वो बंदा है जिसको सीरियसली आई थिंक सुपर कोपर दा में जब रोनाल्डो ने स्क्रीमर मारा था उसी के ठीक उसी मैच में इसने भी स्क्रीमर मारा था इससे इतने मेमोरीज जुड़ी हुई बट वो रिएक्शन नहीं आया वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया एक वो चीज़ थी इतने हगने के बाद इतने टट्टी करने के बाद एक चीज़ वो थी जो कि कहीं ना कि कॉन्सोलेशन में कह सकता था कि ठीक है चल बंदे को पता है कि उसने हगा है नहीं है जस्ट लाइक like अगर रिसेंट में आई फेरन टॉरस की अगर हम बात करें उस बंदे ने कितने मिस किए थे गाली पड़ रही थी लेकिन एट दी एंड ऑफ द मैच जब वो रोया तो साफ पता चल गया था कि भाई उसके दिल से रो रहा है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या रियाल मेडिट का ये मास्टर क्लास था या फिर ये पी का डिजास्टर क्लास था आप कहें कि ये चीज़ दोनों ही थी हाफ टाइम के बाद से ना लगातार हम छः के छः पैनल जो भी थे ना सबके सब यही चीज़ कह रहे थे कि आप एस को हटाओ और री को लेके आओ आप यू you नो know, मैं ये नहीं कह रहा था बिल्कुल भी कि मैं बहुत लग के यही नहीं कह रहा था कि टोनी क्रूज इज़ अ अलाइबिलिटी लेकिन काफ़ी लोग पैनल में थे इस कमेंट सेक्शन में थे जो कि ये चीज़ कह रहे थे कि टोनी क्रूज को ना हटा देना चाहिए कि और हमको ना एनर्जी चाहिए क्योंकि मिडफील्ड ना बिल्कुल कट ओपन हो रही है केक की तरह स्लाइस होता है ना बहुत आराम से हम रन ओवर हो रहे हैं कार्लो सिलोडी ने करा और आप देखो कि इकसठ मिनट पर गोल आया है छिहत्तर मिनट पर गोल आया और अठहत्तर मिनट पर गोल आया विद इन अ स्पैन ऑफ फिफ्टीन मिनट्स हमने पूरा गेम पलट दिया और ये क्यों हुआ और साथ ही हमने गेम ही नहीं पलट दिया आप सोचो कि पी के अगर आप दोनों गोल देखो फर्स्ट लेग का गोल भी देखो वो भी खेल एम्बापे ने, ने आया गोल मार के चला गया आप भी देखो आया गोल मार के चला गया एक तो ऑफ साइड भी हो गई थी आई थिंक उसमें भी आया और गोल मार के चला गया ऐसा हो रहा था लेकिन वही चीज़ हमको उस सब्सिट्यूशन के बाद होने को देख देखने को ही नहीं मिली और उसके बाद ना पॉचिटिनों के हाथ पैर फूल गए आई थिंक दूसरे गोल के बाद जब हमने इक्वलाइज कर दिया उसके बाद उसने सब्सटिट्यूशन करा वो ये ये उसने स्पर्स में भी कर रखा है ये उसने ये ये शुद्ध करता है वो ये और ये पिलता है ये चीज़ बहुत बेकार है मतलब वो ना हाथ वो ना उसके हाथ पैर फूल जाते है वो डर जाता है कि भाई अब रियालमंडी रोल ओवर कर रही है अब तो रियालमेंडी चढ़ रही है और हम और पीछे बैठ जाएंगे भाई वो मेरे को लगता है कि आप कहते हो सब्सिट्यूशन वो स्टेडियम का अरोमा प्लेयर्स की मैंटालिटी आई थिंक जैसे जैसे दूसरा गोल मारा ना रियालमंड रियालमंड प्लेयर्स बिलीव्ड कि वो ये गेम पलट देंगे और पी एस बिलीव्ड कि वो ये गेम हार रहे हैं मेरे को कहते हुए भी शर्म आ रही है मेरे को कहते हुए भी डर लग रहा है क्योंकि उस टीम में एम्बापे मेसी नेमार देखो इन तीन इसकी देखो बैटरिंग अलग बैटरिंग अलग चीज़ होती है मीम अलग चीज़ होती है लेकिन सही बताओ ना इन तीन के लिए बुरा लग रहा है क्यों क्योंकि इन तीनों ने अपना बेहतरीन गेम खेला यार अपनी तरफ से पोजिटिनों ने ऐसी गाड़ है ना टैक्टिक्स के मामले में मतलब उसने लिटरली वो वो करेक्शन ही काट दिया उन तीनों का पूरी टीम से उसने परिदेश को हटा दिया ही वॉज द हार्ट ऑफ दैट एस वो भाग रहा था बंदा वेलवर्डे well के बिना मेरे को नहीं लगता कि वेलवर्डे well और लुका मॉडर्ज के वर्क रेट के बिना आज मेड्रिड कुछ भी कर पाती एब्सोल्युटली अमेजिंग इस गेम में ना मुझे मेड्रिड की तरफ से वो सारी चीज़ें देखने को मिली जैसे हम वापस से आ रहे थे जो कि जैसी कामविंगा बीच में आया हमको प्रेस देखने को मिला आज के पूरे मैच में या हम हार रहे थे विनी का और बेंजिका का कनेक्शन था और ये चीज़ इसलिए भी था कि असेंसियो वाला ना पूरा स्विच ऑफ था हम डिपेंड ही नहीं कर पा रहे थे या फिर आप यूं कहो कि क्योंकि बेंजिमा विनी का इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन था तो हम एक भी अटैक वहां से करना ही नहीं चाह रहे थे कि असेंसियो को इन्वॉल्व करें लेकिन असेंसियो भाई तो उस पोजीशन में खड़ा हुआ है जहां पे तेरे को स्ट्राइक करना है आप बेंजिमा का तीसरा गोल लो कहाँ से मारा है उसने आप सारे गोल ले लो ये गोल असेंसियो के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई थी लेकिन उसने नहीं ली बिल्कुल भी नहीं ली और मेरे को नहीं पता है डेफिनेटली अनसिलोटी क्रेडिट लेता है Ancel, लेकिन आज के मैच में मेरे को सिर्फ एक चीज़ लगेगी बस क्योंकि मैं ना इस समय बहुत भावुक हुई लिटरली आई एम आई एम सो इमोशनल लेकिन एक चीज़ मेरे को लगती है कि कार्लो अन्टी ना आई लाइक कार्लो एनसिलोटी इज नॉट आई इलीट इन गेम टैक्टिशियन उसने थोड़ा लेट करा उसने उसने वो इलीट लेवल चेंज कर दिया लेकिन उसने सडन चेंज नहीं करा ये मेरे को कहीं ना कहीं आने वाले क्योंकि भाई देखो दिस इज हम हम जीत नहीं गए चैंपियंस लीग हम आगे और बहुत बड़ी बड़ी टीम्स के साथ खेलने वाले हैं और वहाँ पे ये चीज़ और भी ज़्यादा काउंट करेगी आज तो ठीक है कम से कम आप, आप आपने दस मिनट लेट करा इट वॉज नॉट टू टू लेट टू इम्प्रूव लेकिन आने वाले टाइम में जब सिटी बाय लिवरपूल इन इन टीम्स के अगेंस्ट हम खेलेंगे ना मे बी तो हमारी फट जाएगी तो हमारी सीरियसली वहाँ पर फट जाएगी और पॉजिटिव नहीं होगा तो देखो मेरे कहते हैं कि पत्ता कट रहा है <laughs> देखो यार ये बताऊँ ना एम ने जब दो गोल मारे ना बुरा तो लगा लेकिन जब एम तब भी मेरे को बुरा लगा कि यार मतलब पता नहीं क्यों मतलब ठीक है बट एम भाई अब रियाल मंडेड आ रहा है तो भाई एम बापे मंडेड की जर्सी पहन ले देर इज नथिंग इन दैट पी एस सी उस क्लब में कुछ नहीं है भाई उस क्लब में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है और दिल से मैं कह रहा हूँ कि आई होप मेरे को ये लगता है कि नेमार के साथ ही पॉसिबल है बट मे कुछ भी कर लेकिन भाई तू तो वापस अपने घर जा बारसा जा मैं कह रहा हूँ अगर बारसा में पॉसिबल नहीं गो एट एनी अदर क्लब कोई भी क्लब तेरे को ले लेगा लेकिन भाई तू तो उस पी क्लब से निकल जा दैट्स क्लब अ टू मच पॉलिटिक्स वहाँ फुटबॉल नहीं खेल सकते आप वहाँ फुटबॉल नहीं खेल सकते आपको वहाँ पॉलिटिक्स है। और अब देखना आने वाले टाइम में पी के स्कैम्प में किस तरीके से आप खेलेगी अभी एक नोटिफिकेशन आया था कि तीसरा गोल पाड़ने के बाद ना न स खिलाफी ना चिल्लाता हुआ निकलाता वी आई बॉक्स से पता नहीं पता नहीं क्या करता हुआ निकला था इट्स इट्स ऑल द पार्ट ऑफ दैट लेकिन भाई अपनी तो खुशी का दिन है अपनी भाई अपनी पूरी खुशी का दिन है आज के मैच में लुका मॉडरिच आज के मैच में वैसे मैं डिफ़ेंस की तारीफ करना चाहता हूँ कि एट टाइम्स उन्होंने हमको बचाया लेकिन यार एम्बापे किस तरीके से खोलता है आई एम सो सो ग्लैड भाई एम्बापे मतलब लिटरली इस समय खुशी का ठिकाना नहीं है हम ये चीज़ कर रहे थे ना कि एम्बापे के आने से ज़्यादा खुशी होगी हालान के आने ज़्यादा खुशी होगी भाई मेरे को आज पता चल गया कि एम्बापे के आने की ज़्यादा खुशी होगी और मैं क्लिक क्या कह रहा हूँ कि एम्बापे से एम मेड्रिड को बहुत मेड्रिड को कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है एम्बापे की और वाइस वर्सा के कंपेरिजन में एम्बापे किस तरीके से कट रहा है डेविड आलावा ईडा मिलेटाउ की हम बात करें दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डू हो सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ बेस्ट वन ऑफ़ द बेस्ट इफ़ नॉट ऑलरेडी द बेस्ट ज्यादा बोल दिया लेकिन ठीक है इफ नॉट वन ऑफ़ द बेस्ट कह सकते हैं और उनको ये केक की तरह काट रहा था जैसे पेस्ट्री कटती ना इतनी तरीके से काट रहा था लेकिन एट टाइम्स मैं कहूँगा कि हम खेलें पता है शुरुआत में मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम बहुत हाई डिफेंसिव लाइन खेल रहे हैं हम बहुत नैरो जा रहे हैं और हम बहुत खोल रहे हैं तो जब मीनो ऐसा होता नहीं कि हम पी एस सी चांसेस मिस कर रही थी मैं खुश नहीं था मतलब खुश तो था रिलीफ था लेकिन मेरी फट रही थी क्योंकि मेरे को पता है कि ये ऐसा गेम है जहां पर ना खुलती जाएगी और पी एस सी अपने चांसेस लेती जाएगी दस चांसे दो गोल मार देना गेम खत्म है पहला गोल आया पूरा वो टूट गया दूसरा गोल आया क्योंकि तो मतलब जब एक तरीके से पहले लेग की हम बात कर रहे हैं तो पूरा वही टूट गया और जब दूसरा गोल आया इस लेग में होपलेस होपलेस लेकिन फिर क्या पेला है यार रियाल बटेट हैंड्साउन सभी मेरे को नहीं पता कि यार मैंने इस इस एपिसोड में कितने काम की बात करी है लेकिन जितने भी करिए ना भाई दिल से करिए सो so भाई मैं इस चीज़ को यही रोकूँगा क्योंकि आई रियली डोंट नो कि मेरे को क्या बोलना चाहिए और भाई देखते हैं किसी पॉडकास्ट में अपने चैनल पर अगर पॉडकास्ट होगा तो हम लेकिन डू लेट मी नो आई विल ट्राइल ट्राई माई बेस्ट कि भाई तुम्हारे कॉमेंट्स इस एपिसोड में मैं जरूर, जरूर जरूर जो भी तुम्हारी क्वेरी है या फिर जो भी तुम्हारा ओपिनियन है वो मैं जरूर पढ़ूँ वैसे ही पढ़ता हूँ लेकिन इस बार मैं लग के सारे एक एक करके पढ़ूंगा तो थैंक यू सो मच गाइस आपने अगर इस एपिसोड को यहाँ तक बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू थैंक यू सो मच स्ट्रीम वॉच लॉन्ग में साथ में बने रहने के लिए गिव अवे याद रखना यार कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड दैट्स इट मैं इसका जो रिजल्ट है वो अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे डाल दूंगा तब तक के लिए स्टे टू स्टे सेफ एंड आई सी इन द नेक्स्ट एपिसोड हारा मेड्रेड एंड ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड